चलिए बच्चों नमस्कार, वंस अगेन स्वागत है आप लोगों का। कास्ट टोपोग्राफी आज हम पढ़ेंगे। टोपोग्राफी पढ़ रहे हैं, स्थलाकृति पढ़ रहे हैं। हमने नदी का जो पानी बहता है वो क्या क्या स्थलाकृतियां बनाता है, टोपोग्राफी बनाता है, वो पढ़ लिया। उसके बाद हवा क्या क्या बह करके बनाती है डेजर्ट एरिया में, वो पढ़ लिया। फिर डेजर्ट में जो पानी बहता है वो क्या क्या बनाता है, वो टोपोग्राफी पढ़ ली। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि ग्लेशियर क्या क्या बनाते हैं। अब हमारी लास्ट टाइप ऑफ टोपोग्राफी बची है, दैट इज कास्ट टोपोग्राफी, KARST, कास्ट टोपोग्राफी। ये है क्या, पहले तो ये समझिए। इसलिए क्योंकि ये इंडिया में आपको इस तरह की जगह नहीं मिलेंगी, तो इसलिए आप इसको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अंग्रेजी फिल्में अगर आप देखते हैं तो वहाँ शायद आपको इस तरह की कुछ चीज़ें कोरिलेट आप कर पाएंगे। देखिए, कास्ट टोपोग्राफी होता क्या है, इमेजिन कीजिए कि कोई ऐसा एरिया है जिसमें चारों तरफ लाइमस्टोन ही लाइमस्टोन है। वहाँ जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो लाइमस्टोन के बने हुए हैं। लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर जिसे कहते हैं, लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है। कैसी रॉक है, सेडिमेंट्री मतलब अवसादी चट्टान है, यानी कि जो ओरिजिनल चट्टान से केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हुए और सेडिमेंट्री रॉक बन गई उससे वो। तो लाइमस्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक है जिसके अंदर कैल्शियम होता है प्लस कार्बोनेट होता है। तो कैल्शियम और कार्बोनेट के कॉम्बिनेशन को जिस रॉक में मिलता है उसको हम लाइमस्टोन कहते हैं। और इसी में जब अगर हम मैग्नीशियम भी मिला दें, कैल्शियम और कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कर दें, तो जो इस प्रकार से जो नई रॉक बनती है उसको हम कहते हैं डोलोमाइट। तो डोलोमाइट और लाइमस्टोन दोनों की ही ये प्रॉपर्टी है कि दोनों पानी में तुरंत घुल जाते हैं। पानी में घोलो तो खट से घुलते चले जाते हैं। आपने देखा होगा घर में जो आप जो सफेदी करते हैं, जो वाइट वॉश करते हैं, तो वो जो चूना पत्थर होता है लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, तो वो पानी के अंदर बहुत जल्दी घुल जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर चारों तरफ ऐसे ही चट्टाने हैं जहाँ जिसमें कि लाइमस्टोन है या डोलोमाइट है, जमीन भी सरफेस भी उसी डोलोमाइट की बनी है और पूरी गहराई तक डोलोमाइट है या लाइमस्टोन है, इन दोनों में से एक है, यानी कि पानी में तुरंत घुल सकते हैं वो। अब प्लस दूसरी कंडीशन वहां पर यह है कि वहां पर बहुत सारी बारिश हो रही है, खूब बारिश होती है। तो बारिश होती है तो क्या होता है, पानी बहुत तेजी से घुलता है चीजों को। तो जो घुलता है, सॉल्यूशन करता है, घोलीकरण करता है, तो उससे बहुत सारी नई नई स्थलाकृतियां बनती हैं। और उसके बाद घोल करके जो चीजों को घोल देता है, घोल कर ले जाकर कहीं जाकर उसको इकट्ठा करके रख देता है, जमा देता है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो उस डिपोजिशन से भी बहुत सारी स्थलाकृतियां बनाता है। तो यहां पर अभी तक हमने नदी की या ग्लेशियर की या विंड की टोपोग्राफी पढ़ी थी, उसमें एक था इरोजन और दूसरा था डिपोजिशन। यहां पर इरोजन और डिपोजिशन नहीं है, यहां पर सॉल्यूशन है, मतलब वो इरोड कर नहीं कर रहा, वो पानी अपने अंदर घोल ले रहा है वहां की रॉक्स को, और उसके बाद उन जो घोल के चीज आई उसका सेडिमेंटेशन या डिपोजिशन करता है। दूसरी बात, जब सरफेस पर पानी एक घोल रहा है और पानी बहुत तेजी से नीचे भी जा रहा है, भाई हम जो नॉर्मल रॉक्स पर जो लोग रहते हैं वो देखते हैं कि भाई रॉक्स पर जब पानी बरसता है तो थोड़ा सा पानी नीचे अंदर अंडरग्राउंड जाता है, धीरे धीरे करके जाता है, स्लोली। ये पानी तेजी से अंदर जाता है, तेजी से अंदर जाने का रास्ता बनाता है, क्योंकि सब घुलता चलता है और अंदर बहुत सारे नए नए स्ट्रक्चर बनाता है। इसीलिए इसे अंडर वाटर टोपोग्राफी भी कहते हैं, या फिर द टोपोग्राफी मेड बाय अंडर वाटर भी कहते हैं। इसको भूमिगत जल के कार्य द्वारा बनी टोपोग्राफी भी कहते हैं। तो ब्रैकेट में इसको लिख लीजिएगा यहां पर, भूमिगत जल के द्वारा बनी गई स्थलाकृति, या द टोपोग्राफी मेड बाय अंडरग्राउंड वाटर। तो एग्जाम में कास्ट टोपोग्राफी आए या भूमिगत जल अंडर वाटर अंडरग्राउंड वाटर की टोपोग्राफी आए, बात एक ही है, समझ रहे हैं, इसको याद रखिएगा, उसकी बात एक ही है। इसको ब्रैकेट में लिख जरूर लीजिएगा इसको, तो लिख लीजिए चाहे तो इन कुछ बातों को। अच्छा, तो आंसर, अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब कास्ट क्यों कहते हैं इसको। कास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि कास्ट एक रीजन का नाम है। यूरोप में एक जगह है, एड्रियाटिक सी के ईस्ट में एक जगह है जिसका नाम कास्ट रीजन है। वो पहले युगोस्लाविया का पार्ट हुआ करता था, इस समय स्लोवेनिया का पार्ट है, तो वो कास्ट रीजन है। वहां पर ऐसी टोपोग्राफी बहुत ज्यादा मिलती है, इसलिए उसके नाम की वजह से इसका नाम पड़ गया कास्ट टोपोग्राफी। यूरोप में
एड्रियाटिक सागर के ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, तो लिख लीजिए इन कुछ बातों को। लिखिए साहब कि कास्ट इज अ टोपोग्राफी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूबल रॉक्स सच एज लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। कास्ट एक ऐसी स्थलाकृति है जो कि चूना पत्थर या डोलोमाइट के घोलीकरण की क्रिया के फलस्वरूप बनती है। घोलीकरण की क्रिया के फलस्वरूप बनती है। यूरोप के स्लोवेनिया देश में कास्ट नाम से एक प्रदेश है। देयर इज अ रीजन नेम्ड कास्ट इन स्लोवेनिया, SLOVENIA, इन स्लोवेनिया ऑफ यूरोप, जहां मूलतः इस प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। वेयर ओरिजिनली दिस टाइप ऑफ टोपोग्राफी इज फाउंड, जहां मूलतः इस प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है, इसी कारण इसे कास्ट टोपोग्राफी भी कहते हैं। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज कास्ट टोपोग्राफी, इसे कास्ट टोपोग्राफी भी कहते हैं। देखो ये जो टोपोग्राफी है ना, इसमें अंदर बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो इन कास्ट टोपोग्राफी के अंडरग्राउंड जब जो चीजें ये बनाती हैं, तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स बहुत से मिलते हैं, तो जो पेट्रोलियम रिजर्व्स वगैरह होते हैं ना, वो भी इसमें काफी पाए जाते हैं। तो चाहे तो लिख लो, इट इज द स्टडी ऑफ कास्ट टोपोग्राफी इज रिलेटेड विद पेट्रोलियम जियोलॉजी। कास्ट स्थलाकृति का अध्ययन पेट्रोलियम जियोलॉजी में किया जाता है, GEOLOGY, जियोलॉजी में किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, लगभग 50% हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स, हाइड्रोकार्बन के स्रोत इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एज वी नो दैट मोर देन 50% हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स आर फाउंड इन अंडरग्राउंड टोपोग्राफी ऑफ कास्ट। तो ये टोपोग्राफी कौन कौन सी बनती है, फटाफट उनके बारे में थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं। तो देखिए साहब, सबसे पहले क्या होता है, ये मान लीजिए वो रीजन है, ये मान लीजिए साहब वो रीजन है जहां पर कास्ट टोपोग्राफी बनती है, समझ रहे, ये वो गहराई हो गई जमीन की, ये जमीन की गहराई हो गई। जमीन है, मतलब यहां देखिए मैं खड़ा हुआ हूं ऐसे करके, ऐसे है, तो यहां बहुत सारा पानी बरस रहा है, लगातार पानी बरस रहा है, और पानी बरस रहा है तो इस लाइमस्टोन की रॉक को, ये पूरी रॉक किसकी है, ये लाइमस्टोन या डोलोमाइट की है, लाइमस्टोन की है जो पानी में तुरंत घुल जाती है। तो पानी इसको घोल रहा है और पानी फिर तेजी से अंदर जा रहा है, तो जो पानी अंदर जाएगा, तो अंदर जाने के लिए यहां पर कुछ कीप के जैसे, जो कीप होती है उसके जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर यहां पर बन जाते हैं, और उन कीप के स्ट्रक्चर्स के माध्यम से ये पानी नीचे जा रहा है, ये पानी इसके अंदर भर जाएगा और इसके बाद ये पानी तेजी से नीचे की तरफ अंडरग्राउंड मूव करता है और अंदर चीजें बनाता है। तो ये जो कीप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं, कभी और बड़े होते हैं, कभी कभी तो कई कई किलोमीटर बड़े हो जाते हैं, फिर उनके नाम चेंज हो जाते हैं। तो ये जो छोटे कीप लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनसे पानी अंदर जा रहा है, इनको हम बोलते हैं सिंक होल, SINK, सिंक, HOLE, होल। हिंदी में इनको बोलते हैं घोल रंध्र, हिंदी में इनको बोला जाता है घोल रंध्र। फटाफट इसको बना लीजिए, सिंक होल या घोल रंध्र, घोल रंध्र बना लीजिए। फिर जब इनका साइज बेटा बड़ा हो जाता है, फिर क्या होता है, इनका साइज नॉर्मल सिंक होल से बड़ा हो जाता है, ये कई मीटर तक बड़े हो जाते हैं, 10-20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर तक हो जाते हैं। जब इनका साइज बेटा बड़ा हो जाए, तो उनको फिर बोलते हैं, उनको बोलते हैं युवाला, UVALA, युवाला। हिंदी में इसको सकुंड कहते हैं, तो सकुंड या युवाला में चाहे तो लिख सकते हैं कि दे आर लार्जर साइज ऑफ सिंक होल, ये दीर्घ आकार के घोल रंध्र हैं जिनका आकार कई मीटर तक होता है, एंड दे कैन बी ऑफ
they can be of many meter long. In fact, कई किलोमीटर तक भी हो जाते हैं कभी कभी. युवाला हो गया. Now, युवाला के बाद फिर जब ये इसका साइज बहुत बढ़ जाता है, मतलब ऐसा होता है कि आप समझिए कि कई सारे युवाला मिल करके जब एक बड़ा सा, जैसे मान लीजिए इनके बीच की जो लाइन है ये घुल गई, ये पिघल गई और एक बड़ा सा एक झील बन गई. तो इस बड़ी झील को बेटा हम कहते हैं पोलजे. इसको हम कहते हैं पोलजे. हिंदी में इसको राजकुंड कहते हैं, राजकुंड. तो ये जो तीन चीज आपने देखी, सिंकहोल, सकुंड और राजकुंड, सिंकहोल, युवाला एंड पोलजे, ये और कुछ नहीं है, ये बस साइज का डिफरेंस है. सिंकहोल वो छोटे छोटे जो कीप लाइक स्ट्रक्चर जिसके जरिए पानी अंदर जा रहा है, उनका साइज कई मीटर तक या एक आध किलोमीटर तक हो जाए तो दे आर कॉल्ड एज युवाला. और बढ़ जाए, बहुत बड़ा हो जाए, पांच पांच दस दस बीस बीस किलोमीटर बड़ा हो जाए तो उसको फिर बोलते हैं पोलजे. ठीक है, इसके बीच में एक्चुअली फिर एक और भी नाम आता है, मैं बताना भूल गया उसको. एक और होता है डोलाइन. एक डोलाइन भी होता है. डोलाइन को हिंदी में बेटा बोलते हैं, डोलाइन ही कहते हैं उसको हिंदी में भी. तो डोलाइन जो होता है वो एक्चुअली युवाला और सिंकहोल के बीच का साइज है, ऐसे मान के चलिए. तो ये जो इसका साइज है युवाला, और तो आप ऐसे मानिए कि सबसे छोटा सिंकहोल है, उससे बड़ा हो गया डोलाइन, उससे और बड़ा हो गया युवाला, और उससे और बड़ा हो गया पोलजे. ये नाम याद रखेंगे आप लोग बेटा, नाम आएंगे एग्जाम में. बहुत सारी टोपोग्राफी आज के डेट में इस समय हो गई हमारे पास. तो जब ये टोपोग्राफी इकट्ठी आपके सामने आ जाएगी ना, जैसे मैं आज समय आपसे पूछूं, ये बताइए कि स्टोन लेटिस किससे बनता है, स्टोन लेटिस किसकी टोपोग्राफी बताइए, अब कन्फ्यूजन हो जाएगा. जब पढ़ेंगे तब याद आएगा, ये तो विंड की टोपोग्राफी है. अभी मैं आपसे बहूँ, ये बताइए साहब कि सर्क किससे बनता है, तो सर्क फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको याद आएगा कि भैया हाँ ये तो ग्लेशियर की टोपोग्राफी. इसी प्रकार से अभी मैं आपको, अभी पोलजे और युवाला आपके सामने है, एग्जाम में आ जाएगा, ये बताइए डोलाइन किसकी टोपोग्राफी है, विंड की, ग्लेशियर की, कास्ट टोपोग्राफी, नदी की टोपोग्राफी, तो आंसर क्या होगा, कास्ट टोपोग्राफी. ठीक है, तो ये सब नाम आप याद करते चलिए भैया, इसको ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे. अगला क्या होता है, अच्छा ये हो गया भैया, इसको मिटा देते हैं फटाफट. तो ये हो गया सिंकहोल, फिर डोलाइन, फिर युवाला एंड फिर पोलजे. पोलजे बेटा बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं और देखने में बड़े अजीब से स्ट्रक्चर लगते हैं. एक बहुत बड़ा गड्ढा है, मतलब बहुत ही बड़ा गड्ढा है और पानी से घोल घोल के उसको ख़त्म हुआ जा रहा है और नीचे पानी भर भी जाता है उसमें, तो उसमें झील वगैरह भी बन जाती हैं. इसके बाद आता है, देखिए क्या होता है, फिगर जरा आप ढंग से बनाइएगा, है ना, मैं एक ही फिगर में कई चीज़ें बना दूंगा लेकिन आपको अलग अलग, उसके लिए अलग अलग फिगर बनाने. अब ये मान लीजिए ये सिंकहोल है, फिर ये सिंकहोल है, कई सारे सिंकहोल बने हुए हैं. ठीक है, पानी आ रहा है, पानी बरस रहा है और ये सब भर जाते हैं और इनसे पानी धीरे धीरे नीचे जाता है. कभी कभी पानी किसी सिंकहोल, कोई कोई सिंकहोल बहुत तेजी से सॉल्यूशन उसका होता है, बहुत तेजी से उसका घोलीकरण होता है और वो जब तेजी से घोलीकरण होता है तो पानी तेजी से नीचे जाता है और तेजी से जा करके ये अंदर एक बहुत लंबा सा रास्ता बना लेता है. ये बहुत लंबा सा रास्ता बना लेता है, जो इतना लंबा भी नहीं, ये बाद में बनाएंगे. ये जो लंबा सा रास्ता बन गया इसको हम लोग बोलते हैं पोनोर. इस रास्ते को हम बोलते हैं PONOR, पोनोर. इसको बना लीजिए. पोनोर क्या हो गया, जब सिंकहोल बहुत तेजी से डिसॉल्यूशन करता हुआ वो अंदर की तरफ चलता चला गया, अंडर वाटर, अंडरग्राउंड चलता चला गया और एक बहुत लंबा सा रास्ता बन गया. उस नए रास्ते को कहते हैं पोनोर. ठीक है बेटा, पोनोर कैसे बनता है, इट इज बाय द डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन से बनता है. अब जब पोनोर आपने बना लिया, अब इसको अब नए फिगर को बनाएंगे आप, इसको मिटा दीजिए पोनोर को. अब क्या होता है, पोनोर और थोड़ा बड़ा हो जाता है, पोनोर और चौड़ा हो जाता है. ये देखिए, ये यहां से और चौड़ा हो जाता है धीरे धीरे करके, और बड़ा हो जाता है और लंबा हो जाता है. तो बहुत लंबे रास्ते पर ये चलता चला जाता है और पानी
लगातार इसको घोलता चला जाता है अंदर की रॉक को, अंदर की रॉक लगातार घुलती चल रही है और एक लंबी सी गुफा बन गई, बहुत लंबी सी गुफा बन गई। इसको केव बोलते हैं, इसको हम लोग केव बोलते हैं या इसको कंदरा कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कंदरा। तो केव बन गई या कंदरा बन गई जिसके अंदर पानी बहुत तेजी से जाता है, और पानी बरसना बंद हो जाता है तो पानी सूख जाता है, फिर पानी जब बरसता है तो फिर भर जाता है। तो इसके अंदर एक नदी बहती है, बहुत लंबा नदी बहती है, और नदी तभी तक बहती है जब पानी बरसता है, और पानी जब बरसना बंद हो जाता है तो नदी बंद हो जाती है। तो इसके अंदर एक अंडरग्राउंड रिवर इसके अंदर बह रही होती है ना। अच्छा, दूसरी, तो इसको इस रास्ते को क्या कहते हैं बेटा, केव कहते हैं या कंदरा कहते हैं। दूसरी बात, जब ये वाले जो दूसरे सिंकहोल थे, एक सिंकहोल ये है, एक सिंकहोल ये भी तो है, तो यहां से पानी आ रहा है और यहां से भी पानी आ रहा है, और ये पानी आते 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 इस केव की ऊपरी छत पर जाकर के ऐसे करके इसकी बूंद लटक जाती है, और इसकी बूंद भी यहां पर मान लीजिए लटक गई। तो ये इस पानी के अंदर बहुत सारा कैल्शियम था, अब ये पानी की बूंद ऊपर आई छत पे, अब तो सूख गया पानी, सूख गया तो जो कैल्शियम था वो लगा रह गया। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी कीचड़ भरे रास्ते से चले गए और आपके जूते पर थोड़ा सा गंदा पानी आ गया, तो उस समय तो आपको पानी लगता है, फिर पानी सूख जाता है तो आपके जूते के ऊपर कुछ धूल मिट्टी लगी रह जाती है, तो वो पानी के अंदर जो धूल मिट्टी थी वो वहां लगी रह गई थी। इसी टाइप से जब ये यहां आएगा और जब पानी सूख जाएगा तो वहां कैल्शियम वहां ऊपर लटका रह जाएगा। कुछ समय बाद तो एक कैल्शियम की लेयर बन गई यहां पे, कुछ समय बाद कुछ और पानी आया, उसी कैल्शियम के ऊपर लटक गया एक बूंद, फिर वो भी सूख गया तो कैल्शियम की दूसरी लेयर हो गई, फिर कैल्शियम की तीसरी लेयर हो गई। समझ रहे हैं? देखो मैं 2-4-10 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सैकड़ों साल हजारों सालों की बात कर रहा हूं। तो सैकड़ों सालों में फिर क्या होता है, ये कैल्शियम की कई लेयर इसके ऊपर बनती चली जाती हैं, कई सारी लेयर इसके ऊपर बनती चली जाती हैं। और उस गुफा के अंदर हम जाएं तो ऊपर से लटके हुए बहुत सारे पिलर हमको नजर आते हैं, जो नीचे से ऊपर नहीं जा रहे हैं, पिलर तो नीचे से ऊपर जाता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश फिल्मों में आपने देखा होगा हीरो भाग रहा है और ऊपर से दहाए दहाए गिर रहा है, तो वो जैसे मैंने कहा कि इंडिया में ये सब हमको नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा इनको। तो ये जो ऊपर से लटक रहे हैं इस प्रकार से कैल्शियम के बने हुए स्तंभ, उनको हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट। स्पेलिंग में देख लेता हूं एक बार, STALACTLA, स्टेलेक्टाइट। ठीक है भाई, तो स्टेलेक्टाइट क्या है, ऊपर से जो स्तंभ इस प्रकार से लटक रहे हैं। इसी टाइप से नीचे जो नदी बह रही है, अब नदी का पानी आया और मान लीजिए कहीं पर वो कैल्शियम उसने इकट्ठा कर दिया, फिर पानी सूख गया, फिर अगली बार फिर आया नदी का पानी तो कैल्शियम उस पर फिर जमा हो गया, फिर अगली बार फिर आया तो कैल्शियम फिर जमा हो गया। तो एक पिलर ऐसे बनेगा जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और कैल्शियम कई सारे सेडिमेंट इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जो पिलर जा रहा है इसको हम कहते हैं स्टेलेगमाइट, स्टेलेगमाइट। तो ये स्टेलेक्टाइट ऊपर से लटकने वाला और स्टेलेगमाइट नीचे से जाने वाला। और कभी कभी क्या होता है, एक पिलर ऊपर से आया और एक पिलर नीचे से गया और दोनों आपस में मिल गए, तो उस केव के अंदर एक पिलर ऐसे करके खड़ा हो गया, और इस पिलर को हम कहते हैं केव पिलर। इसको हम कहते हैं केव पिलर या गुफा स्तंभ। चाहे तो आप इस सबको एक फिगर में बना सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग बना लीजिए, आप जैसे चाहें। अब बढ़िया सा फिगर बनाते चलिए इसको, बस फिगर बनाते चलिए और नाम याद करते चलिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, चिंता ना करें, आपको उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ करना होता तो मैं आपको वैसे ही बता देता और बता दूंगा आगे और भी जो चीजें चाहिए। अच्छा, इसके बाद और क्या हो जाता है, अब इसी में थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं एक स्ट्रक्चर में, कि भाई ये इस प्रकार से ये केव बन गई है, अंदर पोनोर बना, पोनोर से केव बन गई, और ऊपर ये सिंकहोल बाकी है, ऐसी तो है स्ट्रक्चर। तो अब ये इसके अंदर पानी है, अब ये सिंकहोल गहरा होता चला जाता है, ये सिंकहोल गहरा हुआ और गहरा हुआ और गहरा हुआ, और इतना गहरा हो गया कि ये यहां तक पहुंच गया, ऐसे करके आप समझ रहे हैं, ये यहां तक पहुंच गया। तो ये जो सिंकहोल था वो लगातार गहरा होते 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 वो यहां तक पहुंच गया, केव तक पहुंच गया।
तो एक विंडो बन गई, मतलब उस केव के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको ऊपर तक एक आसमान नजर आएगा। इस फिगर में देखने को लग रहा होगा सर ये गिरेगा नहीं, आप समझ रहे हो ना कि मैं कैसे बना रहा हूँ। एक केव के अंदर आप घुसो तो केव के अंदर ऊपर एक छेद सा आपको नजर आए, ये वैसा बना हुआ तो गिरेगा थोड़ी ये। तो ये जो बना स्ट्रक्चर ये हो गया CARST कास्ट विंडो, कास्ट खिड़की या कास्ट विंडो, ये भी याद रखिएगा। कास्ट विंडो इस प्रकार से बन गई, ठीक है भाई। इसके अलावा और क्या चीज बनती है? अब मान लीजिए कि कोई ऐसी सरफेस है, कोई ऐसी कास्ट रीजन की जगह है जहां पर बहुत सारा लाइमस्टोन है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वहां पर समहाउ सिंक होल नहीं बन पाए। तो जब सिंक होल वहां पर नहीं बन पाएंगे तो ये वो कास्ट रीजन की जगह है, और ये जो रॉक है ये पूरी लाइमस्टोन की बनी है, लाइमस्टोन की बनी है या डोलोमाइट की बनी है। तो जो पानी यहां बरस रहा है वो यहां पानी इकट्ठा हो रहा है और यहां की सारी लाइम को घोल करके इसके ऊपर ही इकट्ठा कर रहा है। आसपास की जो जो पहाड़ वगैरह बने थे लाइमस्टोन के, उनसे भी लाइम ला करके यहां इकट्ठी कर रहा है, और सॉइल एक अलग टाइप की सॉइल बना रहा है। ये एक ऐसी सॉइल यहां पर क्रिएट कर रहा है, ऐसी मृदा यहां क्रिएट कर रहा है जिसके अंदर कैल्शियम है, जिसके अंदर आयरन है, और जिसके अंदर क्ले है। क्ले मतलब मिट्टी है, जिसके अंदर मिट्टी है। और ये तीनों चीज जब मिल जाती हैं तो एक नई प्रकार की फर्टाइल सॉइल बनाती हैं, और इस सॉइल को हम लोग बोलते हैं टेरा रोसा, TERA ROSA, टेरा रोसा। ये जो टेरा रोसा जो सॉइल है बेटा, इस ये जो टेरा रोसा जो सॉइल है इसकी एक खास बात होती है कि इस सॉइल के अंदर कोको बहुत ज्यादा पैदा होता है। कोको जानते हैं आप, जो ब्राजील में बनता है, ब्राजील में सबसे ज्यादा पैदा होता है कोको। एक टाइप के एक फल होता है जिससे कॉफी बनती है, एक टाइप की व्हाट यू से चॉकलेट भी बनती है उससे। तो कोको सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ब्राजील में। अब ब्राजील में कोको सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ये वाली जो सॉइल है वो ब्राजील में पाई जाती है, और ये बात सच है। ब्राजील में इसको टेरा रोसा कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा ब्राजील में। इसीलिए ब्राजील को क्या कहते हैं? कोको बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, कहवा पात्र, विश्व का कहवा पात्र हिंदी में उसको कहते हैं। ये वाली सॉइल है, ब्राजील के बगल में एक देश और है जिसका नाम है अर्जेंटीना। तो ब्राजील में इस सॉइल को टेरा रोसा कहते हैं, और अर्जेंटीना में इस सॉइल को रेंड जीना कहते हैं। रेंड जीना, JEE, इस बात को लिख लीजिएगा चाहे तो आप। रेंड जीना इसको कहते हैं कहां? अर्जेंटीना में कहते हैं। टेरा रोसा कहते हैं ब्राजील में, ठीक है भाई। इसी प्रकार से एक और इसका टोपोग्राफी आप लिखिए फटाफट, LAPIES, लेपीज। लेपीज क्या होता है? ये जो टोपोग्राफी वो ऊपर सरफेस पे बनेगी। अब वो क्या होता है कि कहीं तो पानी का सॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, कहीं पर पानी का सॉल्यूशन कम हो रहा है। तो पानी कहीं ज्यादा चीज घोल रहा है, कहीं कम चीज घोल रहा है। तो जो सरफेस है, सरफेस थोड़ी ऐसी ऊबड़ खाबड़ सी बन जाती है, एक ऊबड़ खाबड़ सी सरफेस है, क्योंकि बहुत ही इररेगुलर सॉल्यूशन हो रहा है ऑफ द वॉटर। तो उसको हम कहते हैं लेपीज। नाम याद रखिएगा, लेपीज, इररेगुलर शेप ऑफ द सरफेस बिकॉज ऑफ द इररेगुलर सॉल्यूशन ऑफ द सरफेस बाय द वॉटर, ठीक है। दिस इज लेपीज, ठीक है साहब। तो ये आपके कुछ कास्ट टोपोग्राफी हो जाती है, ठीक है भाई।